हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों उम्मीद है आप लोग सभी सही होंगे। दोस्तों आज की जो न्यूज है वो ये है कि NIH DLED के हाई कोर्ट से जो निकल कर सामने आ रही है, आपको बता दूं कि NIH DLED का जो केस है वो आपको पता है कि 24 मार्च को लगा है। और उसमें आपको बता दूं कि 24 मार्च को लगा है, कौन सा केस है, किस नंबर पे, कहां, कब तक आएगा, देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। ये लिखा हुआ नंदन सिंह बोहरा, पहला है यह 49 का मतलब यह है आप मान सकते हो 3:30 या 4 बजे तक इसका नंबर आ सकता है। आने को जल्दी भी आ सकता है, 11 बजे तक 25 तक हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद देखते हैं इसमें कब तक आएगा। इसके साथ जो कनेक्ट है वो देख सकते हैं आप, जितने भी केस है वो अलग अलग है। 49-1 मंसूर अहमद, उसके बाद 49-2, 49-3, 49-4। तो कल देखते हैं डेट ही मिलती है क्या आता है क्या नहीं, क्योंकि आप देख रहे हो पीछे से डेट पर डेट मिल रही है, लेकिन कोई भी कंक्लूज़न नहीं निकल कर आ रहा है कि या तो NIH DLED को बाहर करे या अंदर करे, कुछ भी नहीं है। लेकिन अब देखते हैं, सरकार बन चुकी है, अब सरकार भी बन गई है, क्या पता सरकार का क्या NIH DLED के प्रति क्या रहे, और शिक्षा मंत्री जी बदले गए हैं, देखते हैं क्या होता है। वो तो कल ही पता लगेगा कि डेट ही मिलेगी या कुछ सुनवाई होगी या नहीं होगी, वो चीज़ें कल हमें पता लगेगी। तो आप 3:30 या 2 या 3 बजे तक भी आ सकता है वो, इसके ऊपर बात है कि कोर्ट में केस जितने भी लगे हैं उनकी सुनवाई बहुत सो की लंबी हो जाती है, किसी कम हो जाती है। अगर लंबी ना हो करके आए तो जल्दी ही 49 नंबर आ जाएगा 3 बजे तक। तो आप सभी दोस्तों से उम्मीद है कि वो जो है अपना सब्र समेट कर रखे, जैसे पहले रख रहे हैं, कि जो डेट पर डेट मिल रही है इसमें भी शायद आपको डेट पर डेट मिल सकती है। तो आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।